थैंक्स वेरी मच, आपने टाइम दिया है एंड आई एम श्योर आप मेरे सब्सक्राइबर भी थे, आपने वीडियो पहले देखी थी? बहुत ज्यादा वीडियो देखी आपने। आपके दोस्त काफी मेरे वीडियो देखकर यहां पर आए हैं। मैंने आपके बहुत वीडियो देखे, मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई किया था। ओ वाह, सीके थ्रू किया था? अरे ये कहते हैं माली बहुत खुश होता है जब उसका कोई आम पकता है। जी हाँ, ऐसे यूट्यूबर बहुत खुश होता है और मैं बहुत खुश हूँ जब मेरे सब्सक्राइबर को जॉब मिलती है और वो पब्लिक के सामने आकर बोलता है कि हाँ मैंने गैरी सर के वीडियो से देखकर हाउसकीपिंग क्लीनर की जॉब ली और आज मैं न्यूजीलैंड में 5 लाख कमा रहा हूँ और वो कमा रहा हूँ यूट्यूब गैरी सर के वीडियो और उनकी CV और कवर लेटर से। जी आज वेलकम करते हैं एक लड़का जो मुझे गुरुद्वारा साहब में रैंडमली न्यूजीलैंड मिला है और अपना खुद का पैसा लगाकर मैं तीसरी बड़ी कंट्री में 2023 में आया हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट बनता है और ये है सिंगापुर में मेरी जान, जहाँ पर कई माँ के बच्चे ज़मीनों पर सोते हैं। लोगों ने मुझे तो टॉर्चर किया था, पर मुझे किया था मेंटली और ये बच्चे फिजिकल टॉर्चर, बिकॉज सिंगापुर में बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर आपने सिंगापुर आना एक बार नहीं हज़ार बार जिस सोचेगा। चलिए वेलकम करते इस गरीब माँ के बेटे और पूछते हैं कि हाउस के पीछे उसने कैसे ली, पर आपने अपना फर्ज कम्प्लीट पूरा करना है। आप ऊपर वाला देख रहे हैं, आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करना है। अगर आपने कुछ भी सीखा है आप मुझसे पूछ सकते हो, कैरी सर क्या मैं उसकी डिमांड कहाँ पर है, इसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं। सर बताएं आपका नाम क्या है और आप इंडिया कहाँ से हैं? मेरा नाम आतिक है, हरियाणा से। हरियाणा से हो आप? न्यूजीलैंड कब आए थे? मैं 16 फरवरी अप्रैल को आए थे। अभी 2-3 महीने ही हुए ना? 2022 में 23 में 2-3 महीने हो गए, मैं ही हो गया था, 2-3 महीने हो गए। हाँ आप कह रहे नहीं नहीं, आपने भी कंफ्यूज किया। आप किस जॉब पर और किस वीजा पर आए हैं? होटल विक्टर मार्ट में करते हैं। और वीजा पे हूँ, मैंने क्रेडिट वीजा के थ्रू अप्लाई किया था। ओके, स्पॉन्सरशिप में। आपको स्पॉन्सरशिप यहाँ से न्यूजीलैंड से भेजी थी किसी ने? हाँ जी। कितने साल का वीजा मिला है आपको शुरू में? 2 साल। आप किस जॉब टाइटल पर यहाँ पर आए हैं? सीनियर रूम अटेंडेंट पे हूँ। अच्छा, सीनियर हाउसकीपिंग, ऐसा था रूम अटेंडेंट ना, हाउसकीपिंग पर हो। और सर जो आपने जॉब खुद ढूंढी थी कि आपका कोई दोस्त था कि ऑनलाइन ढूंढी थी? वाह, सीके थ्रू किया था? अरे ये तो मेरा बंदा है, इसने तो सीके थ्रू अप्लाई की, शुक्र कोई तो आज सीके मिला। तो गाइस आपने वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है, कमेंट करना है। देखो कितना भाग भाग कर वीडियो बना रहे, बारिश पड़ रही सर के साथ, तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। ये न्यूजीलैंड है मेरी जान, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो सर आपने सीख से अप्लाई किया था, तो आपने पहले काम कहाँ किया था इससे पहले? दुबई किया हुआ है, मालदीव किया हुआ है, अल्बेनिया किया हुआ है। हाँ ओ, तो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस था। 3-4-5 साल का था, कितने साल का था? 6 साल। तो डिग्री तो मैटर नहीं करती, डिग्री की थी आपके पास कोई इंडिया से? शाबाश। इंडिया में कितनी देर का एक्सपीरियंस था? मेरे क्या मतलब इंडिया में कोई काम किया? ओब्राई में इंडिया में 1 साल काम किया और आपसे डिग्री थी और आपका टोटल 6 साल एक्सपीरियंस है और आपने उसमें से दुबई अल्बेनिया जैसी कंट्री में काम किया है, तो मालदीव में भी किया है। तो न्यूजीलैंड के बारे में आपने कैसे, आपने न्यूजीलैंड क्यों चूज़ किया? ओके, पीसफुल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, फ्री कंट्री है। ओके, अच्छा है। और जो आपकी सैलरी थी वो दुबई में कितनी थी और यहाँ में कितना फर्क है रफली एवरेज? 2.5 से 3 लाख बन जाता है बड़े आराम से आपका यहाँ पर एज ए हाउस कीपिंग का बन जाता है। सर बताओ यहाँ पर क्लीनर की बॉडी, मैंने सुना है ना आपने जो जॉब अप्लाई की थी यहाँ पर, आपका रहना खाना पीना सब शुरू में फ्री एम्प्लॉयर ने दिया था आपके यहाँ पर? खाली 1 वीक का अकोमोडेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया था। हाँ हाँ, उसके बाद कंपनी ने 1 वीक दे सेड टू मी दैट यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, सो आई जस्ट फाइंड अकोमोडेशन ओवर इन द पापाटोय एंड देन यू फाउंड अकोमोडेशन। सर आपने बताया कि आपको 2.5 से 3 लाख बनता है जो यहाँ पर अकोमोडेशन, जैसे ये एरिया ये दोस्तों ये पापाटोय बहुत ही फेमस एरिया इंडियन लोगों के लिए, आप देख सकते हैं जो पापाटोय एरिया है कितना खर्चा बनता है यहाँ पर इस पे रहने का, बताएं? सर मेरा एक्चुअली रेंट लगा लीजिए आप $200 पर, $200 पड़ता है। हाँ, और बस ग्रोसरी अराउंड $100, दैट्स इज ओनली $300 बनता है आपका यहाँ पर। तो मतलब कि $300 आपका बनता है, बाकी सारे पैसे आपकी जेब में आते हैं ना, बाकी वो अप एंड डाउन जो मेट्रोस का या ट्रेन का जो भी है वो फेयर लग जाता है, फेयर लग जाता है। मैक्स हम लोग ये लगा लीजिए 700-800 हम लोग सेव कर सकते हैं, 700-800 सेव कर सकते हैं। जो क्लीनर्स हैं उनकी बड़ी डिमांड। अब आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिला है, इसके बाद आपके प्लान क्या है? इसके बाद मेरा यही कहना है कि यही रहना है, यही रहना है।
और यही पीआर लेनी है ना। ओ यार पीआर मिल जाती, दो तीन साल लोग फाइल कर रहे हैं है ना। और तलब ये है कि काफी टाइम अभी रूल चेंज हो रहे हैं। हाँ ये मतलब अभी अभी हाउसकीपिंग का भी पीआर के लिए नहीं आया होगा। हाँ अभी ग्रीन लिस्ट निकाली है तो उसमें कंस्ट्रक्शन के लोग, हाँ लेबर्स, मेडिकल्स, हाँ इनका काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा स्कोप है उनका ना, लेबर कंस्ट्रक्शन का काफी ज्यादा स्कोप है। तो इसके अलावा मुझे ये बताइए सर बहुत ही क्लियरली आप यहाँ पर कि क्लीनर और हाउसकीपिंग के अलावा किसकी डिमांड है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन की कह लो, मेडिकल की है, मेडिकल की है, ट्रक ड्राइविंग की है, ट्रक ड्राइविंग की है, और यही है मतलब मोस्टली अभी यही देखा जा रहा है। पता ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के को मेरे चैनल पर 800,000 का पैकेज मिला क्लीनर का, और लड़की मुझे कल मेरी गुड़ कहते कहते यहाँ पर क्लीनर की सच में बहुत डिमांड, क्लीनर को मिल सकता था पैसा, क्लीनर की बहुत। गाइस अगर क्लीनिंग की जॉब कर रहे हैं तो आपका सीवी कार्ड बना के मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मैं खुद आपका सीवी बना दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर को 800,000 की जॉब मिली, और आप भी ऐसी बहुत अच्छी कंट्री न्यूजीलैंड में काम कर सकते हैं, पर न्यूजीलैंड में भी इस क्लीनर की डिमांड है, आपको 800,000 मिल जाएगा। और रहने का शुरू में 1 महीने का और 1,00,000 खर्चा वो आपको यहाँ का एम्प्लॉयर देख सकता है 1 महीने का रहने के लिए। बाकी खाना पीना तो अगर ड्यूटी पर तो फ्री होगा, अगर होटल दे रहा है खाना भी ड्यूटी पर मिलेगा, बाकी तो आपको खुद लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी खर्चा सारा आपका आपकी जेब से देना पड़ेगा। तो सर और बताएं जो लोग आपको देख रहे हैं एज ए रोल मॉडल, उनको न्यूजीलैंड आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और उनकी यहाँ की पब्लिक पुलिस कैसी है? पुलिस बहुत कोऑपरेटिव, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो लोग हेल्प करते हैं, करते हैं बिल्कुल। अगर किसी इंडियन से आप, हाँ अकोमोडेशन का, दे विल टेल यू, ओके दे विल टेल यू द वे। सो सर ये तो बात ठीक होगी आपकी, तो थैंक्स वेरी मच, आपने टाइम दिया है, एंड आई एम श्योर आप मेरे सब्सक्राइबर भी थे, आपने वीडियो पहले देखी थी, बहुत ज्यादा वीडियो देखी आपने, आपके दोस्त काफी मेरे वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं। मैंने आपके बहुत वीडियो देखे, मैंने आपको बहुत ट्राई किया, बात करूँ आपसे उनसे, मैं वो व्हाट्सएप नंबर अभी भी आपका। ओह लेकिन आज हम न्यूजीलैंड की धरती पर मिल गए ना, कहते हैं ना जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो गाइस आप अपना सीवी कार्ड बनाइए और आप भी इस तरह आइए और अप्लाई ऑनलाइन सीख से कीजिए, लड़का सीख का है आपके सामने आया है। सर सुना है यहाँ पर जो टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाता है, बड़े इजीली हो जाता है ना। तो गाइस ये था आज का वीडियो, खत्म करते हैं, सर को थैंक्स करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने के लिए, विश यू वेरी गुड, आई होप आपको पीआर मिले और जल्द से जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।